ये लेपर ट्रेल पे ही हम लोग इधर उधर हैं क्योंकि ये जंगल का इलाका है। ये मेरे साथ में लोटस पॉन्ड है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ये देखो गुड मॉर्निंग, आज है संडे और उठ गए हैं सुबह सुबह। तो आज प्लान है हम लोगों का कि हम ये लोग यहाँ से गाजियाबाद में रहते हैं तो यहाँ से 60 किलोमीटर आगे गुड़गांव में एक लेपर ट्रेल करके है जो कि बाइकर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ट्रेल्स बनाई गई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खाने पीने के है। तो फिलहाल चलिए अभी रेडी हो गए, वेद रास्ते में है तो मिलते हैं अब रास्ते में। और मैंने ये नया एक चश्मा मंगाया है आईवेयर लैब से, हमारे जो बड़े फेमस ब्लॉगर हैं मिस्टर मुंबईकर निखिल, वो भी ये चश्मा लगाते हैं। उन्होंने काफ़ी प्रमोशन किया है तो मैंने भी मंगा लिया इस चश्मे को। थोड़ा सा मेरे चेहरे के हिसाब से या जो भी है, थोड़ा सा अभी से मुझे टेढ़ा लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम। आज इसको लगा के देखते हैं कैसा चलता है, कैसा इसका रिस्पांस रहता है, क्या फीडबैक होता है, मैं आपको राइड के बाद बताता हूँ। जय बजरंग बली। तो वेद आ चुका है और अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से गुड़गांव के लिए। थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्जन है यहाँ पे क्योंकि हमारे किसान आंदोलन वाले जो हैं उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है और महीनों से जो आम आदमी है उसका जीवन नरक कर रखा है। और ये है सामने कूड़े का पहाड़, अभी इसी के नीचे से निकलेंगे एकदम धड़धड़ाते हुए, इतनी बदबू आती है भाई साहब पूछो मत। अब निकल कर आ गए हाईवे पर और एकदम ह्यूमिडिटी बहुत दबा के हो रही है, एकदम मौसम ऐसा भरा हुआ है कि कभी भी बारिश चालू होगी ना वैसा चालू होगी पूछो मत। तो आ गए हैं बंदा तेग बहादुर ब्रिज, जिसको पहले बारामूला कहा जाता था, बारामूला, अभी आ गए हैं उसके ऊपर। ये बहुत ही बढ़िया मतलब मज़ेदार फ्लाईओवर है, अगर इसमें जाम ना लगे, अगर इसमें जाम लग जाता है तो घंटों घंटों इसमें रेंगते रहो, अगर जाम नहीं लगता ना तो ये आपको दिल्ली के एक कोने से उठा करके और बिल्कुल बीचों बीच में ला के रख देती है, बहुत बढ़िया। और वो देखो सामने हुमायूं टूम का टूम दिखता है यहाँ से। तो आ गए भैया, ये है हमारा भाईपालपुर, ये एयरपोर्ट बड़ा ही सुंदर लगता है सुबह सुबह। राइड पे निकलो, ठंडी ठंडी हवा, वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है, एनर्जी महसूस होती है एनर्जी। संडे को तो कोई ना कोई एक्टिविटी बनता ही बनता है, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर। पहुँच आए गुड़गांव, मौसम अभी भी वैसा ही बना हुआ है, बारिश कभी भी हो सकती है और मज़ा आ रहा है भैया, ऐसे मौसम बना रहे धूप ना निकले। तरंग बाबा ने भी हम लोग को ज्वाइन कर लिया है, ऑल गुड। चलो भाई तो अब हम लोग जा रहे हैं लेपर ट्रेल, तो अब हम तरंग वेद तीन लोग हैं लेपर ट्रेल जा रहे हैं। सुहाना मौसम है सुबह सुबह, टाइम तो खैर हो चुका है, धूप अगर आ गई होती तो धूप बहुत तेज होती, पर क्योंकि बादल है इसलिए धूप अभी इतनी तेज हुई नहीं है, गुड फॉर अस। ये आ गए हम लोग लेपर ट्रेल के लिए, मुड़ चुके हैं। और गुड़गांव का जो सबसे अच्छा लगता है ना कि गुड़गांव एक तरफ तो पूरा ही इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, कॉर्पोरेट हब्स है, कॉर्पोरेट हाउसेस है बड़ी बड़ी कंपनियों के, और थोड़ा सा गुड़गांव जो मेन सिटी है उसे बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लैंडस्केप दिखता है, जैसे वो मंदिर है ऊपर, वाह वहाँ तक भी जाया जा सकता है बाइक से। तो ये सारे बाइकर्स लौट रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग शायद थोड़ा सा लेट हो गए पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा ऐसा कहा गया है। ओ ये बड़ी बड़ी बाइकें हैं, माई गॉड, कभी तो बाबा अपने पास भी आएगा एक बड़ी बाइक। ओ तो ये है शिव मंदिर, 300 मीटर आगे है, कृपया गाड़ी धीरे चला मैं। ओ भाई साहब यहाँ तो मेला लगा है, गजब गजब, ट्रैफिक जाम भी लगता है, वाह वाह वाह। Thank you.
एडवेंचर लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। मजा आया यहाँ ये देख करके, रियली लव्ड इट, एंजॉयड इट, एंजॉयड। वो देखो बच्चे लोग कहाँ चढ़ के बैठे ऊपर बालू में, बहुत सही। फैमिली के साथ आओ यहाँ पे, यही सब करो सुबह सुबह। वेरी नाइस, वेरी गुड। ट्रैफिक देखो कितना, मतलब एक अच्छी जगह है तो वहां पर भी सारे लोग आ गए, पूरे शहर की गाड़ियां यहीं आके लग गई। क्या है बाबा ये जाम किस लिए? ये थ्रॉटल शॉटल है। अच्छा ये थ्रॉटल शॉटल, बाइक चली जाएगी? चलो आगे जाए, कोई फायदा है नहीं तो चलते हैं पीछे। चलो। तो ये था थ्रॉटल शॉटल, यहाँ पर है काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा। मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज्यादा लोग होंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो जगह अच्छी है पर इतनी ज्यादा क्राउडेड जगह भैया मुझे नहीं अच्छी लगती। तो अभी हम लोग ढूंढेंगे कोई कोना कतरा, कहीं चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ी पे, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा भैया, पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा तभी आएगा मजा। ये भाई चली जाएगी यार ऊपर, पैदल ही चले। कितना ऊपर जाना है? जाते ऊपर तक तो बाइक से मजा आता यार, बट कोई नहीं, चल ट्रैकिंग करते हैं। रास्ता कुछ ऐसा था तो अभी मन किया कि ट्रैक कर लेते हैं आगे, क्योंकि बाइक, एक बाइक पीछे फंस गई थी, एक बुलेट जो है पीछे फंस गई थी। ठीक नहीं है क्योंकि इस पे कोई एडवेंचर बाइक ही चल पाएगी, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। बस नहीं, ये भी फंस गई है, अभी भी फंसी हुई है। और अभी भी फंसी हुई है वो बाइक पीछे, उस पर लगेगा टाइम क्योंकि यहाँ पे है गड्ढे। और रॉयल एनफील्ड इन सब चीज़ों के लिए खैर क्लासिक और स्टैंडर्ड तो नहीं बनी है, हिमालयन हो तो बात अलग है। ये हमारे तरंग बाबू और ये वेद प्रकाश ट्रेक करते हुए, ये है नीचे रास्ता इस प्रकार से। तो जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसे सारी गाड़ियाँ आगे तक खड़ी हैं और बहुत ट्रैफिक है, इंडिया गेट हो गया है। ये लेपर ट्रेल पे ही हम लोग इधर उधर हैं क्योंकि ये जंगल का इलाका है। और ये मेरे साथ में लोटस पॉन्ड है, यहाँ पर लोटस पॉन्ड बहुत ही बढ़िया। ये देखो कुछ भैंसे हैं अंदर वहां पे, और कुछ लोगों ने कोक की बोतल पी के फेंकी है, वेरी बैड। ये तरंग और वेद प्रकाश फोटोग्राफी करते हुए, वेद भाई हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तरंग भाई मगरमच्छ निकल सकता है उधर से, संभल के। तो यही सब एडवेंचर है जो करने के लिए हम लोग यहाँ आए, थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग है, इधर उधर कूदो फांदो तो चलते रहो। अभी फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मज़ा आया ये देख करके, लेपर ट्रेल बाइकर्स के लिए अच्छी जगह है, यहाँ पर राइडिंग भी होती है, हॉर्स राइडिंग। तो अगर किसी को हॉर्स राइडिंग करनी है दिल्ली के अंदर तो यहाँ पर आ करके हॉर्स राइडिंग कर सकता है। और वो रहा ऊँचे पे टीले पे मंदिर, वाह। और अभी तरंग बाबू हम लोगों को कहीं लेके जा रहे हैं, चाय नाश्ता करेंगे वहाँ पर, क्योंकि चायहाउस में रुके थे पर चायहाउस में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब उन्होंने रेट कर रखा था वहाँ पर, खैर कोई नहीं ब्रांड है तो ऐसा होता है। बट अभी हम लोग ऐसा कुछ महंगा नहीं, नॉर्मल यादव रेस्टोरेंट, चाय पराठा कॉफ़ी यही करा जाएगा। राव होटल, यादव रेस्टोरेंट राव होटल, यहाँ पे करेंगे चाय और फिर निकलते हैं यहाँ से।
भाई साहब क्या पराठे का साइज है, दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको लगता है। मंगा लिए पराठे, पराठे खाते हैं अभी। लिपर ट्रेल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मज़े किए। अगर आप एडवेंचरस स्पिरिट के हैं और आपके घर में अगर बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप उनको वीकेंड पे यहाँ पे सुबह में आ सकते हैं। भीड़ बहुत होती है, तो अगर आप कुछ खाने का भी पैक करा के लाते हैं घर से, कुछ बना के लाएँ, सैंडविचेस या एनीथिंग। चलिए फिलहाल अभी हम लोग पराठे खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। तो कर लिया भैया हम लोगों ने नाश्ता। आता बाबू कैसा रहा? बहुत मज़ा है ना आज? बेस वाले पराठे खाए, बहुत मज़ा आया भाई। बहुत तीखा पराठा था पर भूख इतनी लगी हुई थी कि सब सपाट सब चट। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से खा पी के। बारिश हो रही थी, अच्छा खासा मौसम हो चुका है, तो अब देखते हैं आगे, हो सकता है अभी आगे भी बारिश मिलेगी। तो मुंशियारी में खूब भीगे थे, मुंशियारी के बाद आज बारिश में बाइक चलाएंगे। पर भाई हम लोग बात कर रहे थे कि पहाड़ों पे बाइक चलाना बारिश में एक अलग चीज़ होती है और प्लेन्स में बाइक चलाना एक अलग बात होती है। तरंग बाबू अब जाने वाले हैं, उनका घर आ गया है, उनके सामान दे दिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने घर के लिए। भैया जी क्या चाहिए? नहीं नहीं निकलेंगे बाबा, ये लो अपना फ़ोन। चलो बाबा ओके बाय। चले और घने काले बादल, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है पर जगह जगह रुक रुक के कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। खैर इस वक्त गुड़गांव के अंदर ऐसा लग रहा है कि दिन में अंधेरा हो गया है, बहुत ही कम रोशनी है। आंधी बारिश कुछ तो आएगी बहुत तेज, उससे पहले कोशिश रहेगी कि हम लोग गुड़गांव से बाहर निकल जाएं ताकि कम से कम भीगे। शानदार मौसम, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। वैसे बारिश बहुत तेज चालू हो गई, ये भगवान। अभी बारिश थोड़ी हल्की हो गई है पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया हम लोगों को जैसे हम लोग गुड़गांव से बाहर आए। ये तो दिल्ली की पुरानी रीत है कि थोड़ी सी बारिश हुई तो ट्रैफिक जाम तो पक्का है। तो बारिश अभी भी हो रही है और हम लोग घर के नज़दीक पहुंच गए हैं। आज की राइड यही समाप्त होने वाली है। तो आ गए वापस और ये था हमारा ट्रिप लेपर ट्रेल का गुड़गांव में, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्साइटिंग था। अगर आप एडवेंचर लवर्स हैं या आपको इस तरीके की एक्टिविटी अच्छी लगती है जहां पर आप कोई छोटा मोटा ट्रैक पे जाएं, आप ऑफ दी रोड बाइकिंग करना चाहते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए लेपर ट्रेल काफ़ी अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप अगर वहां जाते हैं तो एक दो चीज़ें जैसे कि पानी का बॉटल, खाने का कुछ सामान, छोटा मोटा स्नैक्स, ये कुछ चीज़ें आप रख के ले जाएं अपने साथ, क्योंकि वहां पर जो कुछ आउटलेट्स हैं भी वैसे आपको ढाबे, थोड़े छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, थ्रॉटल शॉटल जैसी चीज़ें आपको वहां पर मिलेंगी जहां पर आप खा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट अगेन वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन जाते हैं तो हो सकता है कि ओवर क्राउडेड हो और आपको शायद जगह ना मिले, तो इसलिए आप अपना खुद इंतजाम करके जाएं तो बेहतर है। बाकी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चश्मे का जो रिव्यू है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने इसको पहना और इसको पहनने के बाद तो मुझे फील हुआ और जो मेरा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू मेरे जो बाकी के दो चश्मे हैं उनके साथ में, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक नॉर्मल चश्मे की तरह भी अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना है, जो कि मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।